हेलो भाइयों, मेरा नाम है कार्तिक और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी ना मैं भाई हाईवे पे था और भाई अपनी बुलेट पे था और ये जो रास्ता है ना, ये मेरे कॉलेज आने जाने का रास्ता है। तो अभी भाई मेरी बाइक के अंदर ना बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है और वो प्रॉब्लम ना काफ़ी दिनों से आ रखी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा अपने कॉलेज की वजह से उस प्रॉब्लम को सही करवाने का। तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ यार। और ये प्रॉब्लम मेरे पास दूसरी बार आई है भाई, इससे पहले भी एक बार आई थी वो प्रॉब्लम, उसको मैंने ठीक करवाया और अब वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम दोबारा आ चुकी है भाई इस बाइक के अंदर। और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। वो प्रॉब्लम है भाई इसके रियर ब्रेक की, ये जो इसका पैडल है ना रियर ब्रेक का, भाई ये दबता ही नहीं है। अब इस जगह यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, जो भी इशू जहाँ भी पहले भी आया था और अब भी वही इशू है, वो है भाई इसका यहाँ पे जो प्रेशर डालने का वो होता है ना पंप, उसके अंदर इशू है। पता नहीं क्या ही इशू है यार, पहले तो ठीक हो गया था, वापस से ख़राब हो गया है। अब यार रॉयल एनफील्ड में ले जाके दिखानी पड़ेगी इसको, वहाँ छोड़ेंगे फिर वो इसको ठीक ठाक करेंगे जो भी करेंगे, पर ना ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड की बाइक में। अब ये मुझे पता नहीं कि और लोगों के साथ भी आ रही है ये प्रॉब्लम या नहीं आ रही है। अगर आप में से किसी के पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है नहीं आ रही। और जो दूसरी मेन प्रॉब्लम है ना इस बाइक के साथ, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वो है भाई जब भी इसका पीछे वाला टायर घूमता है ना रोड पे, तो भाई ये डिस्क इनमें अड़ती है और अजीब सी आवाज़ प्रोड्यूस करती है, और जब बाइक चला रहे होते हैं तब तो कुछ ज़्यादा ही करती है भाई। तो भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है यार बाइक के अंदर, अब भाई इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं क्या है यार। रॉयल एनफील्ड में लेके जाऊंगा, वो वापस इस पंप को ठीक करेंगे यार और फिर से टाइम लगाएंगे और फिर देखता हूँ क्या ही सीन होता है। बाकी ये मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यार। ब्रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं बाइक के अंदर, ब्रेक्स ना होना तो भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप रोड पे मतलब बहुत रिस्क पे घूम रहे हो अगर आपके ब्रेक्स ख़राब है तो। तो भाई वही सीन इसके साथ है यार, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स इसके ख़राब हो चुके हैं पीछे वाले, आगे वाले तो फिर भी ठीक है लेकिन पीछे वाले तो बिल्कुल ख़त्म है ब्रेक्स। ये देखो भाई अभी मैं बाइक चला रहा हूँ और अभी ना थोड़ी रेस देके ब्रेक लगाऊंगा, लगेगा ही नहीं देखना ब्रेक। ये देखो ओनली रिवर्स ब्रेक लगाया है, उसके बल पे कितनी देर में जाके बाइक रुक रही है भाई, बिल्कुल ही ख़त्म है ब्रेक इसके यार। तो अब भाई उसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जल्दी उसकी वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी जब मैं इसको सही कराने जाऊंगा। बाकी ये था भाई कुछ अपडेट बाइक का जो प्रॉब्लम इसमें सीरियस बनी हुई है। तो उम्मीद है भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, देखने के लिए थैंक यू सो मच।